झांसी की सड़कों पे निकले तो और हमें दिखे जैन दावेली सेंटर। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार बेटा। हमने सुना है आपकी दावेली बहुत ज्यादा फेमस है। फेमस है हमारी दावेली। तो भैया बना दीजिए हमारे लिए सबसे पहले दावेली। इसमें ये आलू दाल का पेस्ट डाला है हमने। अरे वाह। ये मूंगफली के दाने हैं, ये सेव है, प्याज भी डालते हैं इसमें हम। प्याज है? हाँ, फिर इसमें मक्खन में सेकेंगे, अमूल मक्खन में इसको। क्या बात है। करेंगे। तो अंकल जी पहले से ही दावेली को कट करके रख लिया था आपने? हाँ, पहले से कट करके रख। इसके अलावा अपने पास और क्या क्या आइटम है? पाव भाजी भी है। पाव भाजी भी है और ये आज के अमूल के टिक्के। और भाई देख लो कितना सारा अमूल आज का है इसके अंदर। मतलब एक दावेली में कितना अमूल का बटर आ जाता है? करीब 20 ग्राम करीब है। और भाई एक बार अमूल की टिक्की में देख लो, पूरी तरह से स्विमिंग पूल बना दिया है। स्विमिंग पूल की तरह इसको अच्छे से डुबो दिया है दावेली को इस तवे के ऊपर। क्या बात है। और भाई ये देख लो पूरी तरीके से अंकल अच्छे से इसको फ्राई कर रहे हैं। कितनी देर तक इसको फ्राई किया जाता है अंकल जी? तो करीब 5 मिनट फ्राई करें। 5 मिनट तक इसको फ्राई किया जाता है। और अंकल जी टाइमिंग कितना है अपने यहाँ ठेला लगाने का? ठेला लगाने का और क्लोज करने का शाम को 6 बजे से लगाती 10 बजे तक। 6 से 10 बजे। तो भाई ये देख लो ये पूरी तरीके से बटर के अंदर सिक चुका है। 5 से 7 मिनट तक इसको अच्छे से पकाया जाता है। और भाई एक बार कलर चेकआउट कर लो, कितना ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। एकदम ऑरेंज ऑरेंज कलर हो चुका है। सभी मसालों को मिक्स कर दिया था और जैसे कि आप लोगों को दिखाई चुके ये है बटर, नमकीन, पीनट्स और ये है इनके आलू का मसाला, चटनी, इतना कुछ मिला के बढ़िया सा दावेली बनाकर तैयार करते हैं। अंकल जी कितने सालों से लगा रहे हैं दावेली? 20 साल हो चुके हैं। 20 सालों से इसी जगह पे लगा रहे हैं? हाँ, इसी जगह। क्या बात है। दिमाग में कैसे आया कि दावेली बर्गर का सेंटर खोला जाए? गुजरात से सीख के आए। गुजरात से सीख के आए हैं। तो सबसे पहले आपने दावेली और पाव भाजी भी रखा है। क्या बात है। तो भाई देख लो ऑलमोस्ट हमारा दावेली बनकर तैयार हो चुका है। खाएंगे बताएंगे कि इसका स्वाद कैसा है। कितने रुपए का मिलता है ये? 40 रुपए का। 40 रुपए का? क्या बात है। तो आ चुका है अपने प्लेट के लिए और भाई कट कर दिया है कुछ इस तरीके से। लो जी क्या बात है। और ऊपर से आ चुकी है अपनी चटनी, मीठी चटनी। और ये आ चुका है पीनट। फाइनली बनके 40 रुपए दावेली बनके तैयार हो चुका है। आप ट्राई करो कि दावेली कैसी है, सबसे पहले आप ट्राई करो। इसके लिए मैं आपको दिखा दूँ, ये दो चटनियों के साथ आती है, एक मीठी चटनी है, एक हरी चटनी है। फिलिंग कुछ ऐसी है और पूरा सिका हुआ है और चटनी में भीग चुका है। चाट मसाला के यूज़ किया गया है, जो नमकीन अंकल ने उसमें डाली है ना वो भी मुझे बहुत टेस्टी लगी। मेरे हिसाब से आपको ये ट्राई ज़रूर करना चाहिए। 40 रुपीज़ के अंदर और क्या चाहिए। जिस हिसाब से इसे बटर की फीलिंग है ना वो तो अल्टीमेट है। इसको खाना है ना तो कहाँ आना है बता। इसको खाने के लिए आपको आना पड़ेगा पचकुइयाँ पर, ऑपोजिट टू कल्पना ड्रेसेस और जैन दावेली सेंटर। जैन दावेली सेंटर पे आओ। वीडियो कैसी लगी ज़्यादा से ज़्यादा अपने भुक्कड़ दोस्तों को टैग कर दो ये वीडियो। कभी भी झांसी आ रहे हो तो जैन पाव भाजी सेंटर पे आना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नए प्लेस पर नए फूड में। बाय।